बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आतिफ मजीद का सलाम। एम ए शहजाद खान साहब हाजिर हैं। एम ए शहजाद खान साहब से आपकी बात करेंगे, आपके जोड़ की बात करेंगे और बात करेंगे, खान साहब बात करें कि मई के महीने में 19 से पहले पहले एक तो मामला ठीक कर लें, कौन से लोग मामला ठीक करें, क्योंकि कोई सियासतदान तो नहीं है, आम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, और किन लोगों के लिए टाइम अच्छा शुरू होने वाला है, ये जायचों से बात करेंगे, कौन से ऐसे बुरूज हैं या कौन से ऐसे नाम हैं जिनके जैकपॉट लगेंगे और जो जिनको पैसा भी मिलेगा, जिनको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। खान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। सवाल बड़ा है, ये सवाल एक यूनिवर्सिटी है। मैं सोच रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी को एक डिपार्टमेंट में ले आऊँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो बेशुमार डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब एक डिपार्टमेंट में मैं ले आता हूँ, उस डिपार्टमेंट का नाम है एस्ट्रोलॉजी, और उसके बाद फिर मैं दूसरे डिपार्टमेंट में जाऊँगा जफर में। बात यह है, मैं सुनता रहता हूँ ये खबरें, ये अफसाने, ये तज़िये, ये तबसरे, और हंसता रहता हूँ। हो सकता है मुझे भी सुनते हो लोग, उसके मुताबिक अपनी कोई ओपिनियन दे रहे हो। बात यह है कि 19 मई तक जो टॉरस, वो 19 मई तक जो वीनस है, जिसको हम शुक्र कहते हैं, जोहरा कहते हैं, वो मेघ राशि में, तो 19 मई तक जो लोग हैं एरीज वाले, बुर्ज हमल वाले, मेघ राशि वाले, वो लोग से ना बिगाड़ो, उनसे शेक हैंड कर लो। अब वो लोग हैं कौन जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता? वो हैं नेम के अल्फाबेट्स में अलिफ, आइन, लाम और ये वाले, क्यों? उनके घर मोहब्बत की देवी आई हुई है। अलिफ वाले जिनका नाम है अलिफ से, आइन से जिनका नाम है अलिफ से है, ये से और लाम से, इन लोगों के घरों पे खुशकिस्मती आ चुकी है, इसको संभालना है। अब ये लोग अपनी गर्दन आन और मान और मर्यादा को झुकाएंगे नहीं, लेकिन अपने घर, घराने, मुल्क, कौम और दुनिया के लिए शेख हैंड कर लेंगे। अब इसमें पूरी दुनिया लपेट दी है मैंने, अली फाइन लाम, यही किसी में एक मुल्क, किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। घर से, फैमिली से स्टार्ट कर लो, मियाँ बीवी से स्टार्ट कर लो, बहन भाई से स्टार्ट कर लो, मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि 19 मई तक अलिफ आइन लाम ये वालों से शेक हैंड कर लो, हाथ मिलावे, शेक हैंड कर। आप भी आइन वाले से शेक हैंड कर? हाँ, वो तो मैं कर लिया जाप पे सोनिया, क्योंकि मैं समझदार हूं। आपको सितारों का पता है? कर लिया। बात यह है, अगर सबको पता होना चाहिए, ये खान साहब बता रहे हैं आपकी भलाई के लिए, आप शेक हैंड कर लें, बेहतरी होगी, क्योंकि ये एनर्जी पैटर्न बने हुए हैं आपके जायचे के घरों के अंदर, इस वक्त फुल पावर है, इसको कंट्रोल करें। अब अलिफ आइन लाम ये पहले मुल्कों से देते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, ईरान, अफगानिस्तान, अलबाकिस्तान, अलसीन, आज़ाद कश्मीर, इंडिया, अलिफ है सारा, यूक्रेन ये आ गया, तो टल जाओ। अब ये मुल्क थे, अब इन मुल्कों के अलावा जब मर्दों में आ जाएं, औरतों में, बच्चों बूढ़ों में आ जाएं, तो अलिफ आइन लाम ये वाले जो भी लोग हैं, मर्द बूढ़ा बच्चा जो भी है, शेक हैंड कर, नहीं तो राजयोग लग जाएगा। राजयोग तो अच्छा होता है, लग जाएगा बुर्ज हमल को, एरीज को, मेघ राशि को, अलिफ आइन लाम ये को, फिर हाथ नहीं हो मिलाएंगे सोनिया, तो हाथ कर गए, वो हाथ नहीं मिलाएंगे, इसलिए उनका टाइम अच्छा शुरू हो जाएगा, फिर शायद वो हवाओं में हो। हाथ मिला, मैनू शक, मैनू राजयोग लग गया, मैं नहीं मिला, चल रहा ये होगा, ये भी नहीं होना चाहिए, हाथ सबको मिलाना चाहिए, ये होगा। लेकिन कहने का, खान साहब का मकसद ये है
इन लोगों को काबू कर लें। अब अगली बात, 19 मई जब गुजरेगी तो जो वीनस है वो मेख राशि से, एरीज से या बुर्ज हमल से निकल के वो टॉरस में चली जाएगी, मोहब्बत की देवी अगले जायचे में चली जाएगी। और किस जगह जाएगी? वो अपने हाउस में जाएगी। और वो हाउस कौन सा है? उसका अपना हाउस है, और वो हाउस टॉरस का जो हाकिम सियारा जोहरा है, वीनस है, वीनस उसके घर में आ जाएगी, अपने मां प्यो दे कार आ जाएगी। तो फिर क्या होगा? टोरस वाला भी बबर शेर है, वीनस वाला कहेगा मैं तो तनु क्या सी बातचीत कर लो, सुलह कर लो, कहते चलो निकलो। बिल्कुल, एरीस और टोरस दो आ गए। अब बताने लगा हूं ये इनके राजयोग शुरू हो रहे हैं जी। अब बताने लगा हूं कैसे शुरू होगा। 19 मई के बाद वीनस टॉरस में आ रही, उसका राजयोग शुरू, और यकम जून को मरीख मार्स जो है वो आ गया कहां? अपने ही हाउस में, अपने घर में, एरीस में। अलीफ आइन लाम ये वाले अपने घर में आ जाएंगे, वो फिर तलवार जो कर लो जो कर रहा। पहले हम आते हैं अलीफ आइन लाम ये। 15 मई के बाद मैंने कहा था, कभी भी कहा हो, कहीं भी कहा हो, लेकिन आपके प्रोग्राम जी, मेरे भी अलीफ़ आइन से मैं कह रहा हूं कि एरीस को बुर्ज हमल या नाम के अल्फाज अलीफ आइन लाम ये वाले लोगों को पावर मिल जाएगी, खुद मुख्तारी की, खुददारी की, अखुवत और भाईचारी की, चारगी की नहीं, खुददारी और खुद मुख्तारी की। मैं हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? मैं नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए, लेकिन इनको पावर मिल जाएगी। कहेंगे हम नहीं होंगे, हम वी होते हैं, वो आई हो जाएंगे, उनको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, वो वी से निकल के आई में आ जाएंगे, आई आई ये हो जाएगा। तो फिर अलीफ आइन लाम और ये या एरीज वाले लोग ताकत पकड़ना शुरू कर देंगे, चाहे उसमें इमरान खान ले लें, चाहे आसिफ अली जरदारी ले लें, चाहे आरिफ अलवी ले लें, चाहे आप ईरान ले लें, चाहे अफगानिस्तान ले लें, जो भी ले लें, मैं छोड़ो, मैंने क्योंकि मुल्क और दुनिया सबको लेके चल रहा हूं। इनको पावर मिलेगी, ये लोग जो हैं इज्जत नाम मान मर्यादा शान शक्ति धन इन सब में कामयाबी पाएंगे, लेकिन डिग्निटी के साथ। एरिस की बात कर दी है, टॉरस की बात कर दी, टॉरस में कौन सा नाम आना है मैंने? तो ये इनसे 19 तक अपने अपने मामला तय कर लो, एरिस वालों से, अली फाइन लाम ये वाले अल्फाबेट से, चाहे इमरान खान ही क्यों ना हो, बिल्कुल ठीक। तो फिर बात शांति की तरफ जाएगी, कामयाबी की तरफ, कामरानी की तरफ, अखुवत और भाईचारगी की तरफ, ब्रदरहुड की तरफ। नहीं तो 1 जून के बाद एरीज वाले ओपोनेंट्स होंगे, डेंजरस होंगे और एनिमीज होंगे, इनकी गर्दन जो सरिया बढ़ जाएगा, जिमें कहते नहीं सी नून दे किसी बंदे दे विच समटाइम बढ़ जाता सरिया, तो सरिया पिघल भी जाता है, वो अग पिघल पिघल। नेक्स्ट चलते हैं टॉरस पे। अब टॉरस के हाउस में वीनस आ रही है खुद, और वीनस तो मोहब्बत की देवी है, ग्रीस वाले भी कहते हैं, और टॉरस का हाकिम सियारा वो वीनस है। टॉरस जिसको बुर्ज सोर कहते हैं, उसका हाकिम सियारा शुक्र है। टॉरस मोहब्बत है, एक लव है, एक फीमेल प्लेनेट है, उसका हाकिम सियारा फीमेल है, फीमेल दीवार है। ये कौन से नाम है? बे और वाओ वाले, बे और डब्ल्यू, बी और डब्ल्यू वालों का भी लकी टाइम शुरू हो रहा है जी। बे और वाओ, वाओ बी और बे और वाओ, वकास वर्दा वजीहा, ये जी दो का राजयोग शुरू हो गया सर। नेक्स्ट चलते हैं।
अब इनके हाउस में वीनस आ रही है, अब इनको बेनिफिट्स क्या हैं? ये फीमेल प्लैनेट है, वो जो एरीज है वो मेल प्लैनेट है, मुजक्कर प्लैनेट है, उसमें वो आग का बना हुआ है, उसमें अलिफ आइन लाम ये लड़ाई, वीनस में मोहब्बत है। तो बे और वाह वाले लोग, बुशरा हो वहीद हो, इनकी जो लड़ाइयां हैं वो सुलह की तरफ चली जाएंगी, चाहे घर हो, खानदान हो, दुनिया हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कारोबारी लोग हों, चाहे टीचर हों, असातज़ा हों, कुछ भी हो, इनसे मोहब्बत बढ़ेगी, मोहब्बत आएगी, इनका अच्छा टाइम। इन लोगों का अरूज, जमीन जायदाद, काम, शादी ब्याह, लव, मोहब्बत, खानदान, प्लान्स, डिजायर्स, इनमें अचीवमेंट शुरू होंगे। और एरीज वालों में अगर उनसे बिगाड़ोगे तो खुददारियत में आगे जाएंगे, वो शान मान, एरीज वाले, बुर्ज हमल वाले, इकतदार, दौलत, ताकत, इज्जत सब पाएंगे। और वीनस वाले जो उनके काम जो अप एंड डाउन हुए हैं वो ठीक होना शुरू होंगे इंशाल्लाह। एरीज और टॉरस दो हो गए सर आगे। अब ये मैं हूं कौन कहने वाला, एक ऐसी बात करने लगा हूं। आप तो जायचों से बताना है पोजीशन, बाकी तो अल्लाह ताला ने जैसा। काका तेनी ना उंदा सी दूध फीडर च नहीं पींदे सुने। प्लूटो, प्लूटो इंग्लिश में प्लूटो, बड़े इंग्लिश मारते ने बड़े बड़े लोग, आपने ये कह दिया प्लेंटी स्ट्रोक। ओ भाई प्लेंटी होता है ना, प्लेंटी, प्लेंटी, ओ यार पंजाबी जी क्या है ना। अच्छा प्लूटो 2 मई को विक्री कर गई, सीधी हो गई है, और साथ ही जो है वो कर गई है मकर राशि में, कैप्रिकॉन में, किसमें? कैप्रिकॉन। उसके नाम के अल्फाज जीम खे और गाफ हैं। प्लूटो या प्लूटो, असी से पंजाबी प्लूटो है पंजाबी जी कहता हूं, किसी ने कहना जी तुझे है क्या प्लूटो। अच्छा सर, एरीज, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, तीसरा कैप्रिकॉन आ गया जी। कैप्रिकॉन में जो है प्लूटो सीधी हो रही है जीम खे और गाफ वाले लोगों के लिए। जब वो सीधी होगी, उनकी जायदाद, इज्जत माल, काम, जायदाद, सफर, एजुकेशन, शादी ब्याह, और सबसे बड़ी बात प्रोफेशन में बेशुमार कामयाबियां ले जाएंगे। ये कौन कौन से नाम बताए? जीम खे और गाफ, जवेद, खावर, गुलजार, इनको बेहतरीन अचीवमेंट्स और कामयाबियां मिल जाएंगे। बब्बर शेरा, मैं कोई कहानियां देन नहीं आया, मैं इल्मी गल कर रहे हैं। और एक और ले लो, 4 नंबर आ गए, चौथा जोडिक जिसको किस्मत साथ खुलने लगी है, और ब्रूज में बहुत ज्यादा जायचे में पावर आई हुई है, क्योंकि ट्रांजिशन ऐसी बनी है, बहुत ज्यादा तवानाई है, कैप्चर कर लें इसको। लिब्रा तौर, जिसको तुला राशि कहते हैं, बुर्ज मीजान कहते हैं, नाम के अल्फाज आर ओ टी है, इज्जत, सफर, प्रोफेशन, रोमांस, शादी ब्याह, औलाद, बीमारी, सेहत, हर चीज में बेहतरी बरशरा। नाजरीन अगर बात करें, खान साहब ने 4 ऐसे जोडिक बता दिए हैं, इसमें पूरी दुनिया के बड़े सारे लाखों करोड़ों खुश नसीब होंगे। 7.5 अरब से ज्यादा लोग हैं, तो 2.5-3 अरब हैं इसमें, इसमें कोई शक नहीं, कोई 3 अरब के करीब ये लोग बनेंगे पूरी दुनिया में। अगर गोरों के नाम से भी देख लें तो उनके नाम भी आप हिंदी से देखें, सिख से देखें, चाइनीज से देखें, अरेबिक से देखें, मुस्लिम से देखें, बिल्कुल सही है। अगर बात करूं नाजरीन एरीज की, अलीफ आइन लाम और ये के नाम, टॉरस बे और वाओ के नाम, कैप्रिकॉन जीम खे और दाल के नाम, लिब्रा आर और टी के नाम, ऐसे नाम हैं जिनके अब किस्मत, जीम खे और गाफ, जीम खे और गाफ, कैप्रिकॉन, जिन जीम खे,
गाफ गुलजार, दाल मैंने बोला ठीक, सॉरी जी, दाल नहीं गाफ दाल, गुलजार, गुलजार बिल्कुल सही है, गुलजार, इसमें कोई शक नहीं। ये लोग ऐसे हैं जिनका टाइम अच्छा शुरू होने वाला है, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए आने वाली वीडियोस में, जो खान साहब ने बताया है ये टाइम आपको खुद फील होगा इंशाल्लाह। गल यार रखी बब्बर शेरा, हुन मैं खुशियां वंडन निकलिया, हुन मैं नहीं अटलना, अल्लाह दे हुक्म नाल अपने मुल्क च भी मैं अबाबील हाँ, तो मैनू भी शायद अगले महीने सड़कों पर आना पे। अल्लाह ख्याल रखेगा जी। आप नाज़रीन ये जो नाम बताए हैं, कोशिश करें अपने आप को, जो जो मामला आते हैं अपने अपने मामला ठीक करें। आपका बड़ा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, इस टाइम को कैप्चर करना आपका काम है। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो। आतिफ मजीद और एम ए शहजाद खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।